मोहम्मद उस्मान है, मैं असिस्टेंट ऑपरेटर हूँ 8 साल से, ACLU में हूँ और तालीम 5। मैं फिरदौस चाली में रहता हूँ। हम दो भाई कमाने वाले और 9 अफराद हैं हमारे घर। घर के हालात ही ऐसे थे कि मेरे वाले साहब मजदूर हैं, तो इसलिए स्कूल पढ़ता था पहले, लेकिन फिर हालात ख़राब हो गए, फिर काम करने लगे, फिर छोड़ दिया था। पहले तो लिखना भी नहीं आता था ना पढ़ना आता था, अब तो शुक्र है बस बहुत फ़र्क पड़ा। अभी कोशिश करता हूँ, लिखता रहता हूँ, पेज पे लिखता रहता हूँ कि क्या है क्या नहीं है, जो मुश्किल होते थे उसको पेज पे लिख देता और आता था, फिर थोड़ा बहुत करके आ जाता था। कि जिस तरह के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल होती है, लफ्ज़ वगैरह, बातचीत करना, और ताकि बहुत कुछ सीखे इससे। सबसे ज़्यादा फ़र्क तो मुझे जो है ना डिपार्टों में या कंपनी में आने से पड़ा। जिस तरह बोर्ड लगे होते कि ये इस तरह ये लिखा हुआ है, ये यहाँ का रास्ता है, ये डिपार्ट है, इस तरफ जाना है या इस तरफ वो करना है, या जिस तरह हालात ख़राब हो जाते हैं, जिस तरह इमरजेंसी बोर्ड वगैरह लिखे होते उसमें, उससे बहुत फ़र्क पड़ा मुझे। जब मैं हम लोग यहाँ से जाते तो दोस्तों को बताते कि हम लोगों ने ये पढ़ा, ये सीखा, ये हम लोगों ने आज पढ़ा और हम लोगों ने ये करा, ये लिखा, तो उनको भी हम लोग कहते कि तुम लोग भी ना थोड़ा मेहनत करो, कोशिश करो कि आ जाओ वहाँ पर पढ़ने के लिए। बस मैं तो यही सोच रहा हूँ कि मैं अपने बच्चों के लिए जो मैंने नहीं करा, बस वो अपने बच्चों के लिए कर सकूँ। क्योंकि हर माँ बाप की यही ख्वाहिश होती है कि आप अपने बच्चों के लिए सब कुछ करें, किस तरह की तालीम दी जाने और कुरान, वो सब कुछ, ये जो हम लोगों ने नहीं करा हम अपने बच्चों को दें, इंशाल्लाह।